यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए एसएसपी अभिषेक सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्र अधिकारी खतौली के निकट पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी खतौली के कुशल नेतृत्व में थाना खतौली पुलिस द्वारा रंगदारी के अभियोग का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गंग नहर खतौली के नज़दीक से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में खतौली थाना पुलिस द्वारा अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। इसी के क्रम में 29 जनवरी को वादी सावेज, जो एक दिल्ली दरबार में एक रेस्टोरेंट दिल्ली दरबार के नाम से खतौली कस्बा में चलाते हैं, उन्होंने आके 29 जनवरी को थाना पर एक तहरीर दी और बताया कि उनको दिसंबर महीने की 30 तारीख को एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई थी और उस कॉल से उनको धमकी दी गई थी और 50 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की गई थी। और इस संबंध में वादी से पूछताछ की गई कि आप इतने समय बाद क्यों आए, तो उन्होंने बताया कि हम धमकी से डर गए थे, इसलिए हम आज आके थाने पर तहरीर दे रहे हैं। तहरीर का संज्ञान लेते हुए तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया थाना कतौली पर और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इस घटना के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया। एसओजी टीम की सहायता ली गई, सर्विलांस टीम की और साइबर टीम की हमारी सहायता ली गई और कतौली पुलिस की टीम भी इसमें लगी रही। तो आज इस अभियोग का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त जिसका नाम है सार्थक चौधरी, जो मीरापुर कस्बा का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और एक तमंचा बरामद किया गया है। जो मोबाइल फ़ोन है, इसी मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करते हुए इन्होंने वादी को धमकी दी थी और 50 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की थी। उनसे पूछताछ की गई है कि आपने ऐसा धमकी और ये सब चीज़ों के बारे में, तो इन्होंने बताया कि पहले दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आया था और इन्होंने वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ देखी, तो इससे इनको लगा कि ये रेस्टोरेंट काफ़ी चलता है और इसके पास काफ़ी पैसा है, ठाट बाट देखा, तो इसको देखते हुए इन्होंने रंगदारी की डिमांड की और इस घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और ये भी बताना है कि इस अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से 4 मुकदमे अलग अलग जगहों के पर दर्ज पाए गए हैं, बाकी जानकारी जुटाई जा रही है। सर, क्या है, किसी गैंग से जुड़ा हुआ है? इन्होंने जो वादी ने बताया था कि इन्होंने धमकी में एक गैंग का नाम बताया था कि हम उस गैंग से संबंध रखते हैं, लेकिन इनसे पूछताछ की जा रही है और गहनता से सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, तथ्यों को तस्दीक किया जा रहा है। उसके आधार पर अगर किसी अन्य लोगों का भी नाम आएगा तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।